हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको काम दिखाने वाला हूं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का। ये इंडियन रेलवे की एक ऐसी लाइन है जिस पे सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ी दौड़ेगी दोस्तों, और ये स्टार्ट हो रहा है उत्तर प्रदेश के दादरी से, जाएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र पे। अभी जो फिलहाल इंडियन रेलवे में जो मालगाड़ी चलती है उसकी लंबाई है 750 मीटर। इस पे जो मालगाड़ी चलेगी उसकी लंबाई है दोस्तों 1500 मीटर, मतलब डबल, 1.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी होने वाली है। और हाँ, ये डबल डेकर होगा, एक के ऊपर एक डब्बा आपको देखने को मिलेगा। अच्छी बात ये है कि इस पूरे 1500 किलोमीटर रूट में ना कहीं पे भी रेलवे फाटक नहीं है, तो आप टेंशन मत लो। तो ऐसा मत सोचो कि ये ट्रेन जब गुजरेगी तो आपको पहले से ज़्यादा देर रेलवे फाटक पर रुकना पड़ेगा, क्योंकि अब जो इंडियन रेलवे लाइन बना रही है ना उसमें फाटक है ही नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं, खत्म, फिनिश नहीं है। अब मालगाड़ी के लिए दो लाइन के ऊपर काम चल रहा है, एक की लंबाई है 1800 किलोमीटर और एक की लंबाई है 1500 किलोमीटर, और इन दोनों में कहीं भी रेलवे फाटक नहीं है भाई। चलो आज इसके वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम दिखाता हूँ, और जल्द ही ईस्टर्न वाले का भी काम दिखाने वाला हूँ। इसी नोट के साथ भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से ना मुझे ढेर सारा मोटिवेशन मिलता है। तो कर लो सब्सक्राइब और मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना कुछ काम हुआ है। ये है दोस्तों सोना, जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के ऊपर, जिसे कि कहते हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। और ये जो होने वाला है ये है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। डबल डेकर यहां पर ट्रैक डाली जाएगी, एक अप के लिए और एक डाउन के लिए। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के दादरी से स्टार्ट होता है और ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र को जाकर कनेक्ट करेगा। 1506 किलोमीटर लंबी ये पूरी परियोजना है दोस्तों, जिस पे कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि इस पूरे 1500 पे काम किया जा रहा है, इस 1500 किलोमीटर लंबे हिस्से में से 1050 किलोमीटर लंबे हिस्से पे कंस्ट्रक्शन का काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। और अभी कंस्ट्रक्शन का जो काम किया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 456 किलोमीटर हिस्से पे ही किया जाना है, यानी कि उत्तर प्रदेश के दादरी से लेकर गुजरात तक का हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है। और इस पे अब आपको डबल डेकर मालगाड़ी देखने को मिलती है। जी, डबल डेकर मालगाड़ी सिर्फ दौड़ेगी, मतलब एक ऐसी लाइन जो कि सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ी के लिए बनाई गई है। और इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लाइन के माध्यम से ही इंडियन रेलवे अब आपसे कह सकते हैं कि मैं आपके सामान को एक तरफ से दूसरी तरफ तय वक्त पे पहुंचा दूंगा। क्योंकि इससे पहले ये होता था कि पैसेंजर ट्रेन और जो फ्रेट ट्रेन है यानी कि मालगाड़ी, दोनों के लिए एक ही ट्रैक होता था, मालगाड़ी को रुकना पड़ता था क्योंकि पैसेंजर गाड़ी को रोक नहीं सकते हैं, और ये चैलेंजेस आए दिन इंडियन रेलवे को झेलना पड़ता था। तो इसी वजह से भारत सरकार ने एक नया रूट बनाया जिसे कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कहा जाता है। ये पूरी तरीके से मालगाड़ी के लिए होने वाला है। दो फ्रेट कॉरिडोर की लाइन है इस वक्त पे, एक जिसे कि कहते हैं ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और दूसरा ये वेस्टर्न, जिसका मैं आज आपको काम दिखा रहा हूँ। यहाँ पर भी लगभग कंस्ट्रक्शन का काम कम्प्लीट हो चुका है। ये जगह जैसा कि मैंने आपसे कहा, यह है सोना, जहां पर इसका एलिवेटेड पार्ट बनाया गया है, पिलर का हिस्सा बनाया गया है। जमीन से ये 100 फीट ऊपर है दोस्तों, और ये जो एलिवेटेड हिस्सा है, ये जो पिलर के ऊपर का जो हिस्सा है, ये 3 किलोमीटर लंबा है। इस तरफ आप जाएंगे तो इस तरफ है दादरी, जहां से ये स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि दादरी में एनसीआर का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। तो ये जो आप देख रहे हो ये दादरी का ही कंटेनर पोर्ट है, तो यहीं से बेसिकली ये स्टार्ट होगा और ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जाएगा। तो दादरी का ये हिस्सा भी बनकर तैयार हो चुका है। इधर आपको उतने कमाल के इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलते हैं जितना सोना में आपको देखने को मिलता है, और बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी यहाँ पर बनाए गए हैं, वो भी आपको सोना में देखने को मिलता है। और मेजर काम यहीं पर जो किया जाना था और उसी के ऊपर अभी भी आपको काम देखने को मिलता है, और वो क्या देखने को मिलता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरफ हमें और आपको चलना पड़ेगा, और इस तरफ है गुजरात, इस तरफ है महाराष्ट्र, और इसी तरफ ये लाइन आगे की जाएगी। यहाँ पर सामने आप देखेंगे तो पहाड़ है, उसी पहाड़ के हाइट में लाने के लिए एलिवेटेड हिस्सा पूरा बनाया गया था, पिलर का हिस्सा। और हाँ, तो यहाँ पर एक रोड भी है जिसे कि कहते हैं NH 248A, इसे सोना रोड बोलते हैं, और इस रोड को ये क्रॉस कर रहा है। तो ये एलिवेटेड पार्ट इस रोड को क्रॉस कर जाता है, और उसके बाद आगे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा अरावली हिल्स। और ये जो हिल्स है, ये जो पहाड़े हैं, इसके किनारों से होते हुए लाइन जा रही है, इस वजह से आपको दिखेगा कि यहाँ पर अर्थवर्क का भी सहारा लिया है, यानी कि मिट्टी का भी सहारा लिया और पिलर का भी सहारा लिया है।
अब यहां पर वैसे अगर आप देखेंगे तो जैसे ये अरावली हिल्स के साइड से ये होकर जा रही है, तो यहां पर देखेंगे तो ट्रैक डाला गया है और मिट्टी का भी काम किया गया है। मिट्टी मतलब अर्थवर्क का जहां पर काम किया गया है उसके ऊपर आप देखेंगे तो यहां पर पत्थरों को डालने का काम कर रहे हैं, क्योंकि बरसात के दिनों में ये जो मिट्टी है इसका कटाव ना हो, तो इसी वजह से यहां पर पत्थर डाल रहे हैं और उसी का काम करते हुए आपको यहां पर टीम नजर आ जाएगी। इससे जब आप आगे बढ़ेंगे तो एलिवेटेड ये हिस्सा है, और ये एलिवेटेड हिस्सा इसलिए बनाया है क्योंकि बारिश का जो पानी है उसका कटाव यहाँ पर होता है, तो मिट्टी तो ऑफकोर्स नहीं डाल सकते थे क्योंकि पूरी की पूरी मिट्टी बह जाती, फिर ट्रैक भी उसके साथ बह जाता तो सर्विस में डिस्टर्ब होता, इसी वजह से यहाँ पर पिलर बनाया है जिसके ऊपर ट्रैक डाला है, और यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो चुका। और इससे जब आप आगे बढ़ोगे तो फिर आपको दिखेगा कि अर्थवर्क का काम किया है, यानी कि मिट्टी डालकर फिर इसके ऊपर ट्रैक डाला है, और ये दुनिया का सबसे ऊंचा अर्थवर्क का काम है दोस्तों, जो कि यहाँ पर किया गया है। जमीन से तकरीबन 100 फुट ऊपर आपको दिखेगा कि ट्रैक डाला, और वो भी मिट्टी के सहारे, मतलब मिट्टी को डाल डालकर पूरा पहाड़ के हाइट तक लेकर गए और फिर इसके ऊपर ट्रैक डाला है। अब आप पूछोगे कि इसकी जरूरत क्या थी, तो भाई एक तो सबसे पहली जरूरत ये थी कि सामने यहाँ पर एक टनल भी इन्होंने बनाया है, तो उस टनल के हाइट में तो लाना पड़ता ना ट्रैक को। अब क्या है, कंक्रीट का सहारा लेते पिलर्स बनाते तो वो कॉस्टली पड़ता है कंपेयर टू मिट्टी वर्क के, अर्थवर्क के, तो इसी वजह से यहाँ पर आपको दिखेगा कि अर्थवर्क का यहाँ पर काम किया है जिसके ऊपर ट्रैक डालने का काम भी हो चुका है। वैसे मैं आपको बता दूं जो पूरा अलाइनमेंट है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का, चाहे वो ईस्टर्न का हो या वेस्टर्न का, इस पे इलेक्ट्रिकल ट्रेन ही दौड़ने वाली है, कोई कोयले और डीजल का इस्तेमाल नहीं होने वाला है, तो इसी वजह से आपको दिखेगा कि यहाँ पर ओवरहेड वायरिंग का काम किया गया है जिसकी मदद से ट्रेन यहाँ पर दौड़ेगी, और उसका भी काम कंप्लीट हो चुका है। एक दिन में 120 ट्रेन चलाने की प्लानिंग है रेलवेज की, लेकिन अभी आपको फुल कैपेसिटी में यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता, मतलब 120 ट्रेन अभी आपको नहीं देखने को मिलता है क्योंकि अभी पूरा हिस्सा तैयार हुआ नहीं है, लेकिन हाँ बहुत ही जल्द इस पे आपको 120 ट्रेन जरूर दिखेंगे एक दिन के, कि जैसे ही ये पूरा बनकर तैयार हो जाएगा 1500 किलोमीटर का हिस्सा। तो अभी यहाँ पर अगर कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो अर्थवर्क वाले हिस्से पे भी कंस्ट्रक्शन का काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, और यकीन मानो दोस्तों नेक्स्ट ईयर ना ये बहुत कमाल का लगेगा क्योंकि उस वक्त तक 100% यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो चुका होगा, और मानसून के वक्त पे ये जो पूरा स्ट्रेच है ये देखने में नेक्स्ट लेवल लगेगा, और वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि कैसा कुछ दिखता है, और आज भी बहुत कमाल का लग रहा है। अर्थवर्क के इस काम से आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा एक टनल जो कि यहाँ पर बनाया गया, और ये भी दुनिया का सबसे पहला टनल है दोस्तों, जो कि डबल डेकर मालगाड़ी के लिए बनाया गया है, और ये भी पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। ये टनल का ईस्ट साइड का हिस्सा है, और इसके बाद का हिस्सा भी मैं आपको दिखाता हूँ जिसको वेस्ट साइड बोलते हैं, जो कि सबसे कमाल का है भाई। वैसे मैं आपको बता दूं ये जो टनल है ये 1 किलोमीटर लंबा है, और इसके अंदर भी 2 ट्रैक है, 1 अप के लिए 1 डाउन। चलिए इस टनल से आगे लेकर चलता हूं। टनल से जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आपको दिखेगा कि टनल के लेवल में ट्रैक डाला गया है, लेकिन जो टनल है वो जमीन से तकरीबन 100 फिट नीचे है, इसी वजह से यहां पर ट्रैक भी 100 फिट नीचे डाला गया है, एक ताकि ये जो टनल है इसके लेवल में आ सके लाइन, जिससे कि क्या है कि ट्रेन की जो स्पीड है वो मेंटेन कर सकते हैं जो पायलट है। अगर ऐसा होता कि टनल से निकलने के बाद यहाँ पर फ्लाईओवर का हिस्सा होता जिसपे ट्रेन को चढ़ाना पड़ता तो पायलट को स्पीड स्लो करनी पड़ती, और वो बहुत ही ज़्यादा स्लो करना पड़ता क्योंकि मालगाड़ी यहाँ से जाएगी तो लोड भी अच्छा खासा होगा, तो इसी वजह से ट्रैक को ना जमीन से 100 फिट नीचे डाला है, और ये पहली बार अपने देश में हुआ है कि जमीन से 100 फिट नीचे आपको ट्रैक देखने को मिलता है जिसपे डबल डेकर मालगाड़ी दौड़ेगी। दोस्तों यहां पर भी 2 ट्रैक होंगे, 1 अप के लिए 1 डाउन के लिए, यहां पर भी अभी कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन एक और बेनिफिट बता देता हूं इस ट्रैक को 100 फिट नीचे डालने का। यहां पर अगर आप देखोगे तो ट्रैक के ठीक पैरेलल में आपको एक एक्सप्रेसवे दिखेगा, जब आप आगे बढ़ते हैं तावरू की तरफ, आगे बढ़ते हैं आप गुजरात और महाराष्ट्र की तरफ, तो लेफ्ट हैंड साइड से पैरेलल से होता हुआ गुजर रहा है एक एक्सप्रेसवे जिसको कि बोलते हैं वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, और इस एक्सप्रेसवे पे भी स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर प्रति घंटे का है, और ये जो ट्रेन यहां से दौड़ेगी इस पे भी स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर का ही होने वाला है। अब यहां पर ट्रैक जमीन से 100 फिट नीचे डाला है, तो फायदा एक और जो हुआ है वो ये है कि इस एक्सप्रेसवे को ये आसानी से क्रॉस कर गया है, मतलब इसके नीचे से होकर जो लाइन है वो गुजर गई है।
आप पूछेंगे कि कितना लंबा ये हिस्सा है जो कि जमीन से 100 फीट नीचे डाला है, तो 6 किलोमीटर हिस्से पे ये ट्रैक डाला गया है जो कि जमीन से नीचे है। तो मतलब दोनों को अगर ऐड करोगे तो 12 किलोमीटर हिस्से पे काम किया गया है यहाँ पर, अगर दोनों साइड को ऐड कर देते हो तो। और ये अपने आप में ही कीर्तिमान है। आपको यहाँ पर नजारा तो वाकई में कमाल का दिखेगा ही, क्योंकि एक तरफ पहाड़ों को काटकर यहाँ पर एक्सप्रेसवे को साल पहले ही बना लिया गया था, और आज यहाँ पर जमीन से 100 फीट नीचे रेलवे लाइन भी डाल दी गई है। और ये है न्यू इंडिया का ट्रांसपोर्ट सिस्टम का नजारा, जहां पर एक तरफ आपको एक्सप्रेसवे दिखेगा तो दूसरी तरफ आपको यहां पर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लाइन दिखेगी। और यकीन मानिए, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की जो लाइन होने वाली है, ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। अब यहाँ पर ये जो एक्सप्रेसवे है जिसको ये क्रॉस कर रहा है, एक्सप्रेसवे को क्रॉस करने के बाद भी आप देखेंगे तो ट्रैक डालने का काम हो चुका है और कंस्ट्रक्शन का काम हो चुका है। और इसके बाद इसका एक स्टेशन आता है जो कि है तावरू का। वैसे मैं आपको बताऊं, 1506 किलोमीटर का ये जो पूरा अलाइनमेंट है, ये जो पूरा रूट है, इस पे हर 40 किलोमीटर के बाद स्टेशन का निर्माण किया गया है। लेकिन ये स्टेशन कंपेयर टू जो स्टेशन आप अभी तक देखते हैं इंडियन रेलवे के, उसके मुकाबले ये छोटे हैं, क्योंकि यहाँ पर पैसेंजर की फैसिलिटी तो प्रोवाइड नहीं की जानी है, यहाँ पर मालगाड़ी के ऑपरेशनल पर्पज से पूरा स्टेशन डिजाइन किया गया है। तो इसी वजह से ये कंपेयर टू जितने स्टेशन आप देखते हैं उसके मुकाबले ये छोटे दिखेंगे आपको। तो वही आपको यहाँ पर तावरू में देखने को मिलता है, और ये पूरा स्टेशन बनकर तैयार हो चुका है। और इस जगह पर आपको लाइनें भी एक्स्ट्रा देखने को मिलती हैं, ताकि अगर ट्रेन को यहाँ पर रोकना हो तो आसानी के साथ रोका जा सके। इसी वजह से यहाँ पर एक्स्ट्रा ट्रैक भी दिए गए हैं। वैसे पूरे रूट पे जैसा कि मैंने आपसे कहा, दो ट्रैक है, एक अप के लिए और एक डाउन के लिए। और मैं आपको बता दूं तो दोस्तों, यहां पर ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लाइन बनाई गई है, इसके पूरे हिस्से पे कहीं पे भी आपको रेलवे फाटक नहीं देखने को मिलेगा। जी हाँ, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि ये न्यू इंडिया का नया ट्रांसपोर्ट सिस्टम होने वाला है, जो कि लगभग बनकर तैयार हो चुका है। इस ताबरू स्टेशन से अब मैं आपको लेकर चलता हूं टर्नल के पास, जहां पर अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम आपको देखने को मिलता है। और यहां पर कंस्ट्रक्शन का काम आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर वॉल बना रहे हैं दोनों तरफ, क्योंकि जमीन से एक तो ये 100 फीट नीचे है, तो कोई भी एनिमल या ह्यूमन ट्रैक के ऊपर ना आ जाए गलती से। तो इसी वजह से यहाँ पर 6 फीट ऊंचा पूरा वॉल बना रहे हैं, और वही आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करती हुई टीम भी नजर आ जाएगी। और इनफैक्ट अगर टनल के वेस्ट साइड हिस्से पे देखेंगे तो यहाँ पर ये वॉल बना भी लिया जा चुका है, और ये कंक्रीट का पूरा वॉल यहाँ पर बनाया गया है, और स्ट्रांग भी बहुत है। और ये अच्छा भी है, क्योंकि रात के वक्त अगर कोई यहाँ से गुजरता है, चाहे वो एनिमल्स हो या ह्यूमंस हो, तो किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचाया जा सकता है इस वॉल की मदद से, क्योंकि 100 फीट गहरा है भाई। तो आपको किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना हो, किसी भी प्रकार की यहाँ पर हडल्स ना आए, इसी वजह से यहाँ पर ये सेफ्टी वॉल्स बनाए जा रहे हैं, जो कि यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं। और इस पूरे 6 किलोमीटर हिस्से पर ये बनाया जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में, मतलब 12 किलोमीटर का हिस्सा पूरा है जिस पे ये कंस्ट्रक्शन का काम किया जाना है। और अभी यही मेजर काम किया जा रहा है, और वही करते हुए आपको टीम नजर आ जाएगी इस वक्त पे। तो ये था अपडेट दोस्तों वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का। जल्द ही, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे कहा है, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का भी अपडेट दिखाऊंगा कि किस तरीके से और कितना कुछ काम हुआ है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे। तो चलिए, आज के लिए तो बस इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी धन्यवाद। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद। और हाँ, मैं आपसे जल्द ही मिलता हूं, और आपको जल्द ही एक नए प्रोजेक्ट का काम दिखाता हूं। अपना ख्याल रखना दोस्तों।